Hello everyone, welcome back to yet another Fiat Grande Punto video. And in this particular video, I'm going to tell you about the trip meter. How do we set the trip meter? क्योंकि क्या होता है कि सारी कार्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा easy है trip meter को set करना. Speedometer के ऊपर एक button दिया होता है, but Punto में guys ऐसा कुछ नहीं है. Punto में जो trip meter का button है वो एक ऐसी जगह पे जो आपको दिखाई ही नहीं देगा. So इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन मिनट का ही बनाने वाला हूँ. सो हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इसे काम करते हैं, इंट्रो डालते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि वो जगह है तो है कौन सी. लेट्स गेट स्टार्टेड. Don't mind the car. I know it's very dirty right now क्योंकि lockdown में banned बच चुकी है. So अब अंदर हम पहुंच चुके हैं. So guys ये है इसका system सारा, steering, साथ में controls, stocks. So अब मैं आपको close up दिखाता हूँ guys speedometer का. Check it out. कोई भी button speedometer पे नहीं है जैसा कि आप देख ही सकते हो एकदम clearly. So button कहाँ पर है? Steering पे है क्या? स्टेयरिंग पे भी नहीं है. यहाँ पे ये है अपना लाइट्स का स्टॉक, इस पे भी नहीं है. इसके फ्रंट साइड पे भी नहीं है. यहाँ पे डिज़ाइन तो बना हुआ है लेकिन कुछ नहीं है. सो जो वाइपर का स्टॉक है गाइस, चेक इट आउट, यहाँ पे लिखा है एकदम क्लियरली ट्रिप मीटर. ट्रिप बेसिकली सो वाइपर स्टॉक है. सो ये एक्चुअली एक एक्चुअल बटन है, ये देखो प्रेस होता है ये प्रॉपर. तो इससे गाइस एडजस्टमेंट होगी वहाँ पे. मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ. ऑलरेडी गाइस द मीटर इज ऑन क्योंकि इग्निशन ही ऑन है. सो ये जो गाइस आपको ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है ये एक्चुअली मीटर पे ब्लिंक नहीं कर रही, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी वजह से ब्लिंक हो रही है. आई डोंट नो कि ऐसा क्यों. 30 फ्रेम्स पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 1080p पे, लेकिन फिर भी ये ब्लिंक करती है. सो अभी एकदम ये नॉर्मल है. इसका जो आपको डेट भी दिख रही है, किलोमीटर्स भी दिख रहे हैं, टाइम भी दिख रहा है, टेम्परेचर भी दिख रहा है, सब नॉर्मल है. अब जो ये ट्रिप का बटन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, अब मैं इसको एक बार प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा ट्रिप डिस्टेंस ए. सो ट्रिप डिस्टेंस ए जो भी रिसेंटली है मेरा. सो फिर से दबाऊंगा, फिर आएगा एवरेज कंजम्पशन ए की क्या माइलेज वगैरह आ रही है. ये तो बहुत ही बेकार आ रही है यार. सो ये है इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन. आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स पर लीटर वो बताता रहेगा. सो तीसरी बार दबाओगे मतलब चौथी बार दबाओगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी. एवरेज स्पीड के बाद आता है ट्रैवल टाइम ए की, ये जो हमने किलोमीटर ट्रिप ए में जितने भी थे 17 समथिंग वो कितनी देर में कवर हुए हैं. सो दैट इज फॉर 1 hour and 1 minute. दोबारा दबाओगे तो इसके अंदर ट्रिप बी भी है, एक उसके अंदर भी ये सभी चलता रहता है. एंड जैसे ये ट्रिप बी है आपको इसको रीसेट करना है. सो आपको इस पर्टिकुलर बटन को ये जो है इसको ओपन करने के बाद एक बार दबा के होल्ड करना है. छोड़ दोगे तो ये जो सेटिंग दूसरी थी वो वाली आ जाएगी, लेकिन अब मैं जैसे इसको दबा के होल्ड करता हूँ जस्ट लाइक दिस. सो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिस्टेंस बी ट्रिप बी रीसेट. अब ये हो जाएगा जीरो. अब एक बार ही दबाऊंगा वही एवरेज कंजम्पशन बी. सो पता रीसेट हो चुका तो सब जीरो जीरो पे रहेगा. एवरेज स्पीड जो इंस्टेंट कंजम्पशन है वो सिर्फ ट्रिप ए के ही बाद आती है लेकिन बी के बाद नहीं आती क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट रहती है. सो ये ट्रैवल टाइम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, फिर पूरा घूम के आ जाएगा साइकिल यहाँ पे. एंड इसमें एक रेंज भी आता है. अब जाके रेंज आ रहा है, पता नहीं पहले क्यों नहीं आया था. सो रेंज बता रहा है गाइस 271. सो टोटल जब साइकिल घूमता है तब ये रेंज बताता है, अदरवाइज ये रेंज नहीं बताएगा. सो या गाइस दैट्स इट. इसके अंदर यही करना था, सिर्फ एक यही बटन यहाँ पे दबाना है इसको चेंज करने के लिए और कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं करना. सो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. वैसे बटन ये अलग सी लोकेशन के ऊपर दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है. मीटर का लुक एकदम क्लीन रहता है, अदरवाइज जैसे नानो में यहाँ पे एक डंडी सी आ रही है वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है एंड वो समटाइम्स खराब भी हो जाती है. सो ये टच वुड पिछले कितना साल हो गया गाड़ी को, 2013 नवंबर में ली थी गाड़ी, तो ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं. एवरी बटन इज वर्किंग. स्पीडो कह रहा हूँ, स्टेयरिंग कंट्रोल्स का मैंने कभी वीडियो रिसेंटली बनाया था, उसको मैंने क्लीन कैसे किया था तो आप लोग वो चेकआउट कर लेना चैनल पे. सो ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको मैंने क्लियरली एक सम डिटेल में सब कुछ बता दिया. सो दैट्स इट गाइस वीडियो. So that's about this particular video. I hope you guys like it and I hope you guys understand what I've done. Trip meter ko adjust karna bahut hi simple kaam hai. So is video ko yahi pe khatam karte hain. And guys channel pe bahut sari cheeze, agar aap naye ho mere channel pe, so Fiat related bahut sare videos hain, nano related bahut sare video hai, car and home audio related videos hain, build related videos hain, bahut sari cheeze channel pe. So guys ek bar check out kar lena and hum milte hain guys next video mein. Bye, take care, see you, have lots and lots of fun. Lockdown hai guys, bahar mat jana, badi dikkat ho jayegi nahi to.